हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट इनसाइड। और आईपीएल 2021 का शेड्यूल ऑफिशियली आउट हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईपीएल 2021 के शेड्यूल, वेन्यू, टाइमिंग्स और इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज इस वीडियो में आपको आईपीएल 2021 के सेकेंड फेज के सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आईपीएल 2021 यहां पर यूएई में खेला जाने वाला है और आईपीएल 2021 की अब ऑफिशियली डेट आ चुकी है। सितंबर 19 से आईपीएल 2021 का सेकंड फेज शुरू होगा और 15 अक्टूबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। बात करें यहाँ पे को पहले मैच की, सो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आपस में भिड़ने वाले हैं सितंबर 19 को और एक ब्लॉकबस्टर क्लैश रहने वाला है सबसे पहले ही मैच में। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है 3 राउंड्स होते हैं जिसका नाम है क्वालिफायर्स, एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2। क्वालिफायर 1 खेला जाएगा दोस्तों 10 अक्टूबर को, वहीं पर एलिमिनेटर खेला जाएगा 11 अक्टूबर को और क्वालिफायर 2 खेला जाएगा 13 अक्टूबर को, वहीं पर 15 अक्टूबर को तो दोस्तों इसका फाइनल ही होने वाला है। सारी चीज़ को दोस्तों अगर मैं समअप करूँ तो 13 मैचेस आपको दुबई में देखने को मिलेंगे, 10 मैचेस शारजाह में देखने को मिलेंगे और 8 मैचेस अबू धाबी में देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं डबल हेडर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है एक आईपीएल सीजन में 12 डबल हेडर्स होते हैं, 5 डबल हेडर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और अब बचे हैं 7 डबल हेडर्स। मैचेस की टाइमिंग्स की बात करूं सो यूएई में आपको दिन में 3:30 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और शाम को 7:30 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से मैच शुरू होते हुए दिखने वाला है। यह है दोस्तों डबल हेडर्स की टाइमिंग। इन टोटल 7 डबल हेडर्स अभी भी सारी टीम्स के बचे हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ हर एक टीम के बारे में कि वो कौन कौन सी वेन्यूज में कितने मैचेस खेलने वाली है। शुरुआत करते हैं सीएसके से। सीएसके यहाँ पे को 3 मैचेस दुबई में खेलेगी, 2 मैचेस शारजाह में खेलेगी और 2 मैचेस अबू धाबी में खेलने वाली है। वहीं पर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स 3 मैचेस दुबई में खेलेगी, 2 मैचेस शारजाह में खेलेगी और 1 मैच अबू धाबी में खेलने वाली है। केकेआर की बात करें तो केकेआर 2 मैचेस दुबई में, 2 मैचेस शारजाह में और 3 मैचेस अबू धाबी में खेलने वाली है। उसके बाद है मुंबई इंडियंस की टीम जो यहाँ पे दुबई में 2 मैचेस, शारजाह में 2 मैचेस और 3 मैचेस अबू धाबी में खेलने वाली है। पंजाब किंग्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म उतना नहीं किया अभी तक, वो यहाँ पे को 3 मैचेस दुबई में खेलेंगे, 2 मैचेस शारजाह में खेलेंगे और 1 मैच अबू धाबी में खेलने वाले हैं। आरसीबी की बात करें तो आरसीबी यहाँ पे को 3 मैचेस दुबई में खेलेगा, 2 मैचेस शारजाह में खेलेगा और 2 मैचेस अबू धाबी में खेलने वाला है। राजस्थान रॉयल्स यहाँ पे को 3 मैचेस दुबई में खेलेगा, 2 मैचेस शारजाह में खेलेगा और 2 मैचेस अबू धाबी में खेलने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद 3 मैचेस दुबई में खेलेगा, 2 मैचेस शारजाह में खेलेगा और 2 मैचेस अबू धाबी में खेलने वाला है। ये हैं दोस्तों सारी टीम्स के मैच डिफरेंट वेन्यूज में। अब बात करते हैं ऑफिशियल शेड्यूल के बारे में। सो स्क्रीन पर आप ऑफिशियल शेड्यूल देख पा रहे होंगे और आप पॉज करके इस शेड्यूल को आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट वीडियो जहां पर मैंने आपको बताया कि आईपीएल 2021 कब से शुरू होगा, किस टीम के कितने मैचेस बचे हैं, कितने डबल हेडर्स मुकाबले होंगे, क्या रहेंगी टाइमिंग्स मैचेस की। ये थी दोस्तों आज की कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।